की 10 बड़ी खबरों के साथ कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग। पेरिस ओलंपिक के 12वें दिन भारत के पास गोल्ड मेडल जीतने का सुनहरा मौका है। फाइनल में पहुंची है विनेश फोगाट, आज जीत सकती है गोल्ड मेडल। विनेश फोगाट ने क्वार्टर फाइनल में 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और फिर सेमीफाइनल में जीत हासिल कर मेडल पक्का किया। और आगे बढ़ रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग के साथ। ओलंपिक में विनेश फोगाट ने इतिहास रचकर भारत का झंडा बुलंद किया। विनेश ने वो कर दिखाया जो अब तक नहीं हुआ। विनेश फोगाट ने मंगलवार को महिला 50 किलो फ्रीस्टाइल इवेंट के सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर यूसनेलिस गुजमैन को 5-0 से करारी शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। विनेश फोगाट ओलंपिक इतिहास में महिला कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर भी बन गई हैं। आगे बढ़ रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग। विनेश फोगाट के फाइनल मैच को लेकर देश में दुआओं का दौर जारी है। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में जिस अंदाज में प्रदर्शन किया उससे भारतीय रेसलर को गोल्ड मेडल जीतने का दावेदार माना जा रहा है। विनेश फोगाट फाइनल मैच में अमेरिका की सारा एन हिल्डब्रांड से होगा। सारा टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी है सारा। विनेश फोगाट देश भर से उन्हें बधाइयां दी जा रही है और दुआओं का दौर शुरू हो चुका है। आगे बढ़ रहे हैं अगली ब्रेकिंग। बांग्लादेश छोड़कर दिल्ली आई पूर्व पीएम शेख हसीना के ठिकाने को लेकर सस्पेंस जारी है। शेख हसीना कहां रहेंगी, किस देश में पनाह लेंगी, 2 दिनों बाद भी तय नहीं हो पाया। पूर्व पीएम शेख हसीना हिंडन में 3रे दिन भी मौजूद हैं। शेख हसीना ने भारत में रुकने की इजाजत मांगी थी। शेख हसीना लंदन जाना चाहती थी पर ब्रिटेन ने झटका देते हुए कहा कि शेख हसीना को कानूनी संरक्षण नहीं दे सकते। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना यूरोप के किसी देश में पनाह ले सकती है। आगे बढ़ रहे हैं पांचवी ब्रेकिंग के साथ। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना को अमेरिका से भी झटका मिला। अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। शेख हसीना के बेटे साजिद वाजेब अमेरिका में कारोबारी हैं, अमेरिका के वर्जीनिया में रहते हैं और अमेरिका को आशंका थी कि शेख हसीना अपने बेटे के पास आ सकती हैं, लिहाजा अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। आगे बढ़ रहे हैं छठी ब्रेकिंग। बांग्लादेश में सियासी उठापटक के बीच अब अंतरिम सरकार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के प्रेस सचिव ने जानकारी दी। मोहम्मद यूनुस की सरकार का निर्णय संसद भंग करने के बाद राष्ट्रपति शहाबुद्दीन और छात्र नेताओं के बीच हुई बैठक में लिया गया। राष्ट्रपति की बैठक में तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख भी मौजूद रहे। मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में प्रदर्शनकारी छात्रों की पहली पसंद थे। आगे बढ़ रहे हैं सातवीं ब्रेकिंग के साथ। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों हिंदुओं पर निशाना बनाना लगातार जारी है। भीड़ ने हिंदू गायक के 140 साल पुराने घर में आग लगा दी। 3000 से ज्यादा वाद्य यंत्र जलकर खाक हो गए। कट्टरपंथियों की एक भीड़ बांग्लादेश के मशहूर गायक राहुल आनंद के घर में जा घुसी। पहले घर से जमकर लूटपाट की गई, उसके बाद गायक राहुल के घर को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि भीड़ के घर में घुसने से पहले ही राहुल अपने पत्नी और बेटे के साथ सुरक्षित जगह पर निकल गए थे। गायक और उनके परिवार की जान बच गई है लेकिन पुश्तैनी घर पूरी तरह से खाक हो गया। आगे बढ़ रहे हैं अगली ब्रेकिंग के साथ। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा। बांग्लादेश में मंगलवार को आवामी लीग और उसकी सहयोगी पार्टियों से जुड़े कम से कम 29 नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों के शव बरामद किए गए हैं। बांग्लादेश में एक्टर शांतो खान और उनके पिता सलीम खान भी शामिल हैं। सलीम आवामी लीग पार्टी से जुड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी एक्टर शांतो खान और उनके प्रोड्यूसर पिता सलीम खान को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। सलीम हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े हुए थे और हसीना के पिता मुजीबुर रहमान पर बनी फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। आगे नौवीं ब्रेकिंग। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम केजरीवाल को मिली जमानत को रद्द करने की मांग वाली ईडी की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। ईडी ने बेल रद्द करने की मांग की है।
आगे बढ़ रहे हैं दसवीं ब्रेकिंग के साथ। शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी। 15 अगस्त पर दिल्ली में झंडा फहराने को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि 15 अगस्त को मेरी जगह आतिशी झंडा फहराएंगी। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री को ध्वज फहराना होता है। अब केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर झंडा फहराने की जिम्मेदारी आतिशी को देने के लिए कहा है।